आज हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी इसके अंतर्गत कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र जो कि कला एवं वाणिज्य दोनों का है। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर जो है परिचय दिया हुआ है तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र जैसा कि हमने छोटी कक्षाओं में भी आपको बताया गया होगा कि अर्थ का मतलब जो होता है वह धन होता है और शास्त्र का मतलब जो होता है वह विज्ञान होता है। तो इस तरह से इसको हम धन का विज्ञान भी कहते हैं। तो इसमें सिर्फ धन का विज्ञान या मुद्रा या फिर पूंजी सिर्फ इसका ही अध्ययन नहीं होता है। इसके अंतर्गत हम ज्यादा आर्थिक विकास ये सारी चीजें भी उसके अंतर्गत देखते हैं। जैसे आर्थिक विकास के अंतर्गत जो आंकड़े हैं, आर्थिक विकास जो होता है इसमें जो आंकड़े होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, ये सारी चीजें भी उसमें आ जाती हैं। सिर्फ हम इसमें जो है हम सिर्फ धन का ही अध्ययन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है उसके प्रवर्तक जो है किस कौन को बताया गया है, एल्फ्रेड मार्शल। मार्शल जो है वह आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। इनको आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। तो इसके साथ ही साथ हम फिर यहाँ देखेंगे कि उपभोक्ता उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता जो वस्तु खरीद रहा है, वस्तु खरीद रहा है। यह उपभोक्ता है। उसके बाद है फिर विक्रेता। विक्रेता से समझ में आ रहा है कि वस्तु बेचना। वस्तु बेचना मतलब है अब किसके लिए कर रहा है, लाभ के लिए। तो यह कौन कहलाया, विक्रेता। फिर उसके बाद उत्पादक। ये सब जो है ये हमारे अर्थशास्त्र के एक तरह से महत्वपूर्ण अंग हैं, जो कि ये उपभोक्ता होगा, विक्रेता होगा, उत्पादक होगा। अब उत्पादक कौन होगा, उत्पादन करने वाला, उत्पादन करने वाला। अब इसमें उत्पादन करने वाला एक उद्योग उद्योग से हो सकता है, उद्योगपति एवं किसान, ये क्या है, उत्पादक हैं। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे कि नियोक्ता, नियोक्ता या कर्मचारी, कर्मचारी कौन है, कर्मचारी। कर्मचारी जो है काम के बदले सेवा मूल्य प्राप्त कर, मतलब काम के बदले मूल्य प्राप्त करना, मतलब उसे क्या मिल रहा है, उसके बदले में वेतन मिल रहा है, तो वह कर्मचारी कहलाएगा। उसके बाद हम देखेंगे नियोक्ता। नियोक्ता किसे कहेंगे, जो कि काम कर रहा है ना, काम कर रहा है या सेवा दे रहा है, तो इसे हम नियोक्ता
कहते हैं। इस तरह से ये सारे जो हैं ये हमारे आर्थिक विकास में ये सारे जो हैं सहायक सिद्ध होते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है उपभोग, उत्पादन और वितरण। उपभोग, उत्पादन और वितरण, ये तीनों ही चीजें जो हैं हमारे अर्थशास्त्र के अंतर्गत आवश्यक है। जिस तरह से हमने उपभोक्ता पढ़ा, विक्रेता पढ़ा, नियोक्ता पढ़ा, उत्पादक पढ़ा, ये सारी चीजें आवश्यक है। अब जब हम ये उपभोग करेंगे तो उपभोग कौन करेगा? उपभोग जो है उपभोक्ता करेगा। तो अब इसके अंतर्गत एक तो उपभोक्ता तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ विक्रेता भी हो सकता है और उत्पादक भी हो सकता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि विक्रेता जो है वह स्वयं उपभोक्ता कैसे हो गया और उपभोक्ता कैसे हो गया और विक्रेता भी उपभोक्ता कैसे होगा, उत्पादक भी उपभोक्ता कैसे होगा? क्योंकि ये जो विक्रेता है यह भी कहीं ना कहीं से तो वस्तु खरीदेगा, उत्पादक है यह भी आवश्यकता है कि जो वस्तु है वह भी कहीं ना कहीं से खरीदेगा, इस तरह से भी क्या कहलाया? उपभोक्ता कहलाया। अब उसके साथ हम देखेंगे उत्पादक। उत्पादक जो है वह क्या करता है? उत्पादक जो है एक जो उद्योगपति होता है या तो वह अपना उद्योग लगाएगा और उद्योग लगाने के साथ साथ वह यह देखेगा कि वस्तु जो है वहां पर जहाँ उद्योग लगा रहा है वहां पर हमें कच्चा माल साथ ही साथ लेबर या कर्मचारी ये जो है सस्ते में मिल जाए और साथ ही साथ जो यातायात का जो साधन है यह भी वहां पर आसानी से मिल जाए, जिससे कि उसका जो उत्पादक जो है जब वह खर्च करेगा तो उससे कम से कम खर्च आए और उसकी जो लागत है या फिर लाभ है वह प्राप्त हो सके। उत्पादक जो होता है वह सिर्फ लाभ के उद्देश्य से ही कार्य करता है। तो इस तरह से यह हुआ। फिर उसके बाद है वितरण। जब ये उत्पादन हो जाएगा तो वितरण भी तो करना है, यदि वस्तु का उत्पादन हुआ है तो उसको हम वितरण कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी हमें ये देखना पड़ता है कि जो वस्तु हमने निर्मित किया है उसकी मांग कहाँ पर है। मांग और पूर्ति ये दोनों ही साथ साथ चलती हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहाँ पर मांग होगा वहाँ पर जो सप्लायर होगा या वितरक जो होगा वह वहाँ पर उस चीज़ की, उस वस्तु की पूर्ति करेगा। जो वितरक होगा वह उस वस्तु की वहाँ पर पूर्ति करेगा। इस तरह से यहाँ पर उपभोग हो गया, उत्पादक हो गया और वितरण हो गया। इस तरह से हम देखेंगे कि जो है वह पूरा हो सकता है। इसमें हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है, अब इसमें हम ये देखेंगे कि सांख्यिकी क्या है, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। ये हम थोड़ा सा अभी सामान्य से जानकारी दे देंगे, बाकी से नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में जो सांख्यिकी है इसका यहाँ पर महत्व क्या है? इसमें सबसे पहले हम जो सांख्यिकी होता है उसका संग्रह करते हैं। संग्रह किस चीज का होगा? अंकों का भी हो सकता है, अंकों के माध्यम से जो हम संग्रह करेंगे वो सारे चीजें अंक जो है आंकड़ों में होंगे। जिस तरह से हम जब प्रवृत्ति पढ़ेंगे, सांख्यिकी पढ़ेंगे, माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि सांख्यिकी के अंतर्गत हम और क्या क्या उसको शामिल करते हैं। फिर ये जो संग्रह जो होंगे वह प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकते हैं। अब प्रत्यक्ष रूप में जो है हम उसको जाकर, मतलब व्यक्तिगत रूप से हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे
और यहाँ पर जो है हम या फिर फोन के द्वारा या फिर प्रस्तुत आंकड़ों के द्वारा, प्रस्तुत या उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से हम सांख्यिकी को पढ़ेंगे। ये सारी जानकारियां जो है आपको हम नेक्स्ट क्लास में सांख्यिकी के बारे में और बताएंगे।